मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। तो गाइज मैं ऑफिस से आ गई हूँ घर और आज डिनर में कुछ बहुत स्पेशल बन रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है लेकिन जो मैं फॉलो करती हूँ मैं बस वही बता रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किसकी रेसिपी है, मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने कहीं यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी। तो ईजिली बन जाती है, बहुत अच्छे लगता है कढ़ाई पनीर। तो मैंने सोचा तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं जिसमें एक प्याज तो ग्रेवी में जाएगा और एक लगभग 1.5 प्याज ग्रेवी में जाएगा और एक जो है वो मैं जो पेटल्स बना के वैसे डालूंगी। एक शिमला मिर्च ली है, इसमें ये शिमला मिर्च भी पेटल्स की तरह जाएगी। छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी हरी मिर्च ली है जो कि ग्रेवी में जाएगी और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स पनीर का लिया है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, अदरक का ये इतना सा टुकड़ा और हरी मिर्च इस सबको ले लिया है। मैं इसको करूँगी माइक्रोवेव। ये मैं इसमें थोड़ा हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको माइक्रोवेव करूँगी 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कुकर में 2 विसल दिला दीजिए मीडियम फ्लेम पे और ये बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। इसको माइक्रोवेव करते हैं और उसके बाद इसकी प्यूरी तैयार होगी। और तब तक यहाँ पे जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च लेके रखी है ना, प्याज लगभग मैंने बना दिया है, इसकी पेटल्स निकालूंगी मैं और शिमला मिर्च मैं आधा ही यूज़ करूँगी तो इसका भी मैं पेटल्स बना के कर लूँगी जब तक ये मेरे माइक्रोवेव होगा। तो गाइस इसमें मिला दिया मैंने नमक और इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी, थोड़ा सा बस मैं इसमें पानी मिलाऊँगी। तो इतना सा बस मैंने इसमें पानी मिलाया है थोड़ा सा और बस इसे माइक्रोवेव कर दूंगी 10 मिनट के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने पनीर और कट करके रख लिया है, जिस भी साइज का आपको करना है ना मैंने इसे छोटे छोटे कर लिए हैं ताकि वो तीनों का साइज सेम ही लगता है। लाइक पनीर अगर बड़े कर दोगे और ये तो पेटल्स हैं तो इनका साइज अलग लगेगा, तो या पनीर आप बहुत छोटा कर दोगे तो हमेशा सब्जियां सेम साइज में ही रखनी चाहिए, ऐसा मैंने सीखा है अपनी मम्मी से। तो ये सब ये मैंने पेटल्स यहाँ पे कर दिए हैं शिमला मिर्च और पनीर की, उसकी प्याज की। यहाँ पे पनीर है तो जब तक मेरा वो मिक्सचर हो रहा है ठंडा होगा टमाटर प्याज वाला जिसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी तब तक मैं इसे जो है फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा करना है बिल्कुल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सरसों के तेल में ही मेरी ज़्यादातर कुकिंग रहती है तो आप चाहे तो इसमें देसी घी यूज़ कीजिए, बटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है इसलिए मेरे को थोड़ा लाइट ही बनानी है क्योंकि अपन लोगों को ही खाना है मतलब घर में ही। तो इसको बस हल्का सा गोल्डन होने तक मतलब लाइक बिल्कुल हल्की सी ये पक जाए, लगभग 60% कुक हो जाए उतने लेवल तक आपको इसको कुक करना है। इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे पनीर और इसको हम अलग निकाल के रख देंगे एक किचन टाल पे या फिर टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल सकते हैं। इस लेवल तक की देखिए अभी ये लगभग 20% कुक हुई है, मतलब इसका कलर जो है ना शिमला मिर्च का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि वो पक गई है लगभग 60-70% और प्याज भी उनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस तब तक हमें इसको करना है और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो अभी ये मेरा थोड़ा सा रह गया है। तो गाइस ये शिमला मिर्च और प्याज को मैंने कर लिया, अब इसमें जाने वाला है पनीर। तो यहाँ पर पनीर भी बस हल्का सा आपको गोल्डन करना है, हल्का सा बिल्कुल मुश्किल से आपको ये मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट में हो जाएगा। और ये देखो बस हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया ना, बस मेरे को इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें तैयार है, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज। गाइस यहाँ पे जो माइक्रोवेव मैंने किया था उसकी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी बना के फिर उसके बाद इसे छान लिया था इस मोटी वाली छिलने में, तो जितने भी टमाटर के छिलके और बीज वगैरह थे ना वो सब निकल गए हैं और ये मेरी फाइन प्यूरी बिल्कुल बन के तैयार है।
सेम प्रोसेस मैं शाही पनीर, बटर पनीर, मसाला में भी करती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो चलिए फिर आगे का स्टेप करते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था ना फ्राइंग के बाद, वो निकाल दिया था, और बस दो तीन चार चम्मच ऑयल मैंने रखा है। इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले जीरा, हींग मैं इसमें नहीं डालूँगी, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही मेरा जीरा थोड़ा सा स्प्लैटर हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी। मैं बेसिक बिल्कुल घर के मसाले यूज़ करके बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी मसाले नहीं यूज़ करूँगी। उससे क्या होता है ना, टेस्ट जो है थोड़ा सा वो हो जाता है और हैवीनेस बहुत आ जाती है। तो ठीक है, अब जीरा मेरा हो गया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये प्यूरी। पहले इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप थोड़ा संभल के करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्यूरी में भी हमने नमक डाला था। देन इसके बाद जाएगा इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च। कढ़ाई पनीर थोड़ा सा स्पाइसी रहता है तो लाल मिर्च मैं ज़्यादा डालूँगी। आमचूर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डालना है नहीं, बट मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बस इसमें। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है तो कसूरी मेथी नहीं डाल पाऊँगी मैं। और इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है और मलाई थोड़ी सी थी तो मलाई भी ले ली और दूध भी। आप खूब अच्छे से मलाई डाल सकते हो इसमें, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसे मिक्स कर दूँगी। अब इसके बाद गाइस इसमें मैं ऐड करूँगी अपनी जो सब्जियाँ थी, ताकि वो इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस यहाँ पे ये मेरी सब्जियाँ जो हैं इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, और अब मैं इसे 10 से 12 मिनट तक, जब तक मेरा थोड़ा ग्रेवी अच्छे से पकना जाए, इसके साथ पकाऊंगी। तो गाइस मैंने आपको रेसिपी दिखा दी थी कढ़ाई पनीर की, तो आज कढ़ाई पनीर इसलिए बन रहा है क्योंकि आज डिनर पे मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया था। क्योंकि कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ तो मैं फ़ोन करती हूँ, तो आज बाई चांस फ्राइडे भी है तो प्याज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में आने वाले, और मैंने सारी तैयारी कर दी है, बस नान सेकूंगी मैं और सलाद वाला सब रेडी कर दिए। तो गाइस देखो कौन आया है आज हमारे घर पे। अभी मैंने बनाया नान, देख अभी अभी चाचू से खा लो। यहाँ पे मेरे नान बन रहे हैं और वहाँ पे खाना पीना चल रहा है, नान सीख रहे हैं और पास हो गए। तातू थे आइसक्रीम खा लो, तातू थे आइसक्रीम खा लो। ना खाएगा ना खाने देगा वो। बाबू क्लैपिंग करो। पापा मैं अपने लिए ही निकालती हूँ, ना तुम खाते हो ना भाई ने खाए। ये पापड़ अनमू भी नहीं खाते, मैं प्लेट में रखती हूँ ऐसे, कैसे मुझे ही खाने पड़ते हैं, ना तुमने खाए। जा रहा हूँ भाई। आप कहीं नहीं जा रहे बेटा, ताचू जा रहे हैं।